हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ देखिए शेयर कर रही हूँ अपने पार्लर का कुछ ऐसा काम जो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये हमारी एक ब्राइड हैं, वो तैयार हो रही हैं और इस तरीके से हम लोग तैयारी करके रखते हैं। इनका काफ़ी सारा ज्वेलरी वगैरह यहीं पर है और आप लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये ज्वेलरी क्या आप ही की होती है। बिल्कुल, बहुत सारे जो ब्राइड हैं वो ज्वेलरी नहीं लेकर आती, तो हम लोग ही उनको प्रोवाइड करते हैं ज्वेलरी, और कुछ ब्राइड जो हैं वो ज्वेलरी लेकर आती हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पार्लर में और भी बहुत काम चल रहा है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों के अपने छोटे छोटे सेलिब्रेशन भी कितना मुश्किल होता है हम लोगों को करना, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं। पार्लर का काम जो है वो ऐसा है कि किसी भी टाइम कोई भी काम आ सकता है, और इस टाइम तो वैसे भी वेडिंग सीजन चल रहा है। तो मेरी आज शादी की सालगिरह है और उसके बावजूद मेरे पार्लर में काफ़ी काम है। तो देखिए, ये जो ब्राइड जिनको मैं अभी आपको दिखा रही थी, ये रेडी होकर आ गई हैं और उनका लुक जो है वो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा आया है, और मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी ये, और बहुत ही प्यारा सा इनका जो है मतलब ज्वेलरी, लहंगा, सब कुछ बहुत अच्छे से मैच कर रहा था। और आप देख सकते हैं इनका जो मेकअप हुआ है वो भी बहुत प्यारा हुआ है। और इस तरीके से ही हमारे जो पार्लर में है वो बहुत अच्छे से काम होता है। हमारा जो स्टाफ है वो हमारे अपने पर्सनल भी काफ़ी कुछ अच्छे से करता है। जैसे कि देखिए, मेरी जो शादी का सेलिब्रेशन है ये पार्लर के बच्चों ने ही अरेंज किया है, और ये सरप्राइज़ पार्टी उन लोगों ने हमें दी थी। इस तरीके से उन लोगों ने केक वगैरह मंगाया था और इस तरीके से पूरे पार्लर की डेकोरेशन वगैरह की थी। उसके बावजूद जो है वो मतलब काम भी कर रहे हैं पार्लर का। आप देख सकते हैं कितना काम पार्लर में था। तो हम लोगों ने जो है वो इस तरीके से ही अपनी शादी की सालगिरह जो है सेलिब्रेट की थी। आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बताओ, एनिवर्सरी वाली मम्मी जला रही है। ऐसे ही होता है बिजनेस वालों का, ऐसे ही होता है बिजनेस। बिल्कुल बिजनेस वालों का यही होता है। माय गॉड, टाइम नहीं, कभी पति पे टाइम नहीं, तो अब दोनों को टाइम मिला है। हालांकि पार्लर में कस्टमर भी है, हर बार मैस होते हैं गाना गाने में। कितना सारा निकाला है मम्मी, आप भूख तो मारी नहीं। तभी वो सूजू बड़ा चमत्का हो रहा है। तब तो लो गाल पे लगाऊंगा तुम्हारे। हाँ, थोड़ा बहुत गाल पे नहीं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। लेकिन हमें केक मत दीजिएगा। देखो क्या क्या मिल गया, वो क्या इतने टाइम झेलने के लिए। हाँ। भाई मुझे भी दे दे। भाई मुझे भी दे दे। भाई नहीं, चलो मैं भी खींचती हूँ। मैंने दिया है, मैंने तो दिया। अब इनसे पूछे क्या दिया शादी की सालगिरह मेरी। पापा को ही मिल लें शादी गिफ्ट। शादी की सालगिरह, बर्थडे, सब इनका ही आता। करवा चौथ इस बार मैंने मांगा है, इस बार मिलना चाहिए ना। कैसा लगा पापा? पापा की पसंद का है। मामा अपनी पसंद से ही लाए हैं, मैंने इन पे छोड़ दिया था। मैंने यही दो, खुश है आज तो। दो दो आपको ही गिफ्ट मिली है। सो गाइज, बेसिकली अभी हम आए हैं रेस्टोरेंट में मम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाने के लिए। आवाज जा रही है या नहीं जा रही है आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे गाना चल रहा है और सारे लोग बुरे चले जा रहे हैं। तो इस वजह से ध्रुव मेरे साइड में बैठा है, मनन वगैरह बैठे हैं सामने। ओए पीछे काम चलाओ कैमरा सेटिंग। कैसा लगा? बहुत बढ़िया है ना। खाना खा लिया है, अब चलते हैं घर, क्योंकि हमारा कोको अकेला है, उसको हम घर पे छोड़ के आए थे। तो सोचा कि चलो हमने भाभी घर चलते हैं। हमने भाभी के एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली। पिछली बार हम गोवा से आए थे, बहुत मिस कर रहे हैं। सही में उस दिन हम गोवा से आए थे जिस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी ना, मतलब वही 2:30 बजे पहुंचे थे 19 तारीख में, फिर भी तब भी नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे। तो इस बार अच्छे से कर ली बहुत। तो चलिए मिलते हैं आपसे घर जाकर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि हम रात ब्लॉग का एंड करना भूल गए थे,
भूल क्या गए थे यार, बहुत ज्यादा थक गए थे, काफी लेट आए थे हम लोग, तो बच्चों को स्कूल भी जाना था, तो उसके बाद आने के बाद ना सो गए हम लोग। और इस इनको देखो जरा, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो खाने पीने का क्या क्या होगा पापा, क्या खिलाने वाले हो आज? क्या खिलाने वाले हो? आगे खुल नहीं रही थी, तेज धूप आती है यहाँ पे। हाँ, जो आपकी इच्छा करे वो खिला सकते हैं। देखो मतलब शादी की सालगिरह बस एक ही दिन थी पापा। अब तो शादी पुराने हो गए जैसे पहले थे। अरे पाखंडी आदमी, वो पार्लर पे भी बहुत काम है आज, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन मैनेज तो हो ही जाएगा, फिकर नॉट। पूजा चौधरी जिंदाबाद, पूजा चौधरी जिंदाबाद। क्यों पापा? फिकर नॉट, पूजा चौधरी जिंदाबाद। इसके ना भीषम 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 पापा, मेरा ना मन कर रहा है तुम्हारे हाथ की चाय पीने को। और मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ सुबह में, मैं तो सीधा ब्रेकफास्ट करती हूँ। छोड़ दो, बहुत गलत आदत है सुबह सुबह चाय पीनी, छोड़ दो। गुरुवार 22 फरवरी से अस्त 23 मार्च तक मांगलिक कार्य पर बंद। जब भी थोड़ा सा हमारा सहालक आता है पार्लर पे, तभी सहालक मांगलिक कार्य बंद। चलिए कोई बात नहीं। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है वो हम लोग अपनी बालकोनी में बैठ के कर रहे हैं। यश का ब्रेकफास्ट ये रहा, कोको कोको ये बैठा है क्योंकि ये हमारे साथ साथ ही रहता है, इसको छोटे छोटे टुकड़े डालते रहते हैं हम, तो ये हमारे साथ ब्रेकफास्ट करता रहता है। तो आज बने हैं पनीर के पराठे और चाय। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश की है, मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। और मेरा होम ब्लॉगिंग चैनल भी है पूजा चौधरी ब्लॉग करके, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं डेली की अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं पार्लर में, और पार्लर में एज़ यूज़ुअल हमारा इसी तरीके से काम चलना स्टार्ट हो जाता है सुबह से ही, स्किन केयर और इस तरीके के मेकअप। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे जितने भी क्लाइंट हैं ये मेरे पास मेरे चैनल के थ्रू आए थे, ये दिल्ली से हैं, और ये जो हैं मेरे चैनल के थ्रू मेरे पास आई थी, इनको मेरा चैनल काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे मेकअप वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इनका एक फंक्शन था मुरादाबाद में, तो इन्होंने उसको अटेंड करने के लिए हम लोगों को बुक किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। काफ़ी अच्छी अच्छी रियल ब्राइडल मेकअप वीडियो, हेयर स्टाइल वीडियो, स्किन केयर वीडियो वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। चैनल को अच्छे से सर्च करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर करें कि पार्लर कहाँ पर है।